उन्होंने हनुमान अखाड़े के संचालकों को बधाई देते हुए कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में कुश्ती के लिए बेहतर वातावरण है, यहाँ से आने वाले समय में कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहलवान तैयार होंगे, इसलिए पहले अंडर 14 व अंडर 17 के प्रशिक्षकों पहलवानों ने कुश्ती का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम को अखाड़े के अध्यक्ष केश पठानिया व सेवानिवृत्त कमांडेंट इंद्रजीत कौंडल ने भी संबोधित किया। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में चैत्र नवरात्रों के दौरान जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचे, वहीं मंदिर क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल का पहरा रहा, क्योंकि असामाजिक तत्व व जेब कतरों पर नजर रखने के लिए मंदिर द्वारा इस बार पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि नवरात्रों के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं और कई असामाजिक तत्व जो कि पंजाब व अन्य सीमावर्ती राज्यों से यहां पहुंचते हैं, उन पर नजर रखी जाती है। इस नजर के दौरान श्रद्धालुओं की कीमती सामान पर भी इन असामाजिक तत्वों की नजर रखती है। हालांकि इस बार प्रशासन द्वारा असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे का भी प्रयोग किया गया। आए हुए श्रद्धालुओं ने बताया कि पूरी तरह से पुलिस एवं प्रशासन इस बार सतर्क दिखा और पिछले 2-3 दिनों से जेब काटने की घटनाओं पर अंकुश लगा है, जिससे श्रद्धालुओं ने भी राहत की सांस ली है। श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्वारघाट में हिमाचल टूरिज्म के हिल टॉप होटल में श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के विधायक व हमीरपुर संसदीय लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि 3 बार तक लगातार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर व ऊना दोनों जिलों की अनदेखी की है तथा 4 लेन व सुरंगों के निर्माण कार्य गत 2 सालों से ठप पड़े हैं। बावजूद इसके भाजपा सांसद विकास कार्यों के झूठे श्रेय लेने का प्रयास कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि जिला बिलासपुर में जितने भी विकास कार्य हुए हैं, वे सभी उनके मंत्री पद के दौरान हुए हैं, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि गत 1 साल से नैना देवी के विधायक रहते भी काफी विकास हुआ है। विधायक निधि का पैसा जनता के विकास कार्यों में लगाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर अपना सांसद निधि का सारा पैसा जनता के विकास कार्यों में खर्च करने में नाकाम रहे हैं, जिस वजह से सांसद निधि का अधिकतर पैसा वापिस लौट गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री जीएस बाली ने कांगड़ा में पत्रकार वार्ता करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के नेता अपने प्रत्याशी के लिए आयोजित होने वाली रैलियों में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। बाली ने अफसोस जताते हुए कहा कि विपक्षी भाजपा उन मुद्दों से जनता को प्रभावित कर रही है जो चुनावों के बाद कहीं नजर नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति राष्ट्रभक्त है, किसी को मुद्दों से भटकाकर ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना जो चुनाव के बाद हवा हवाई हो जाएंगे। लोगों को गलत तरीके से प्रभावित किया जा रहा है, लेकिन इससे देश को आगे नहीं बल्कि पीछे करने का प्रयास किया जा रहा है। बाली ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री बताएं कि क्या चुनाव के बाद हिमाचल में बिजली बिलों में इजाफा होगा? आखिर क्यों इस प्रदेश में बिजली इतनी महंगी है? जहां बिजली पैदा होती है, गैस सिलेंडर 350 का था और आज 1000 का क्यों हो गया है? सीमेंट यहां बनने के बाद भी महंगा क्यों है? इन मुद्दों को भी भटकाया जा रहा है। बाली ने कहा कि विकास कार्यों और जनहित की योजनाओं के बारे में
कोई भी भाजपा नेता बात नहीं कर रहा है। सभी भाजपाई बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक और मुद्दों का विख्यान करने में लगे हैं। यदि सरकार ने ऐसा किया है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, देश की सुरक्षा सरकार की ड्यूटी है। ऐसे में इन बातों का चुनावों में भुनाने का कोई मतलब नहीं है। बाली ने कहा कि हार जीत होती रहती है, लेकिन हम देश प्रदेश को किस दिशा में लेकर जाएंगे इस पर चुनाव के दौरान चर्चा होनी चाहिए। बाली ने कहा कि कांग्रेस एकजुट है और वे खुद पवन काजल के साथ चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर ने पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी व उनके परिवार पर जमकर हल्ला बोला। कपूर ने कहा कि राहुल गांधी के परदादा यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बतौर प्रधानमंत्री आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया था। कांग्रेस के शहजादे ने भी जो घोषणा पत्र बनाया है उसके लिए कांग्रेस को अपनी राष्ट्रवादिता का परिचय देना होगा और इसका जवाब जनता को देना होगा। उन्होंने कहा कि इस एक्ट को वर्ष 1958 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद के चलते लागू किया गया था। तब जब पंजाब में उग्रवाद फैला था तो इस एक्ट को वहां भी लागू किया गया था। 1990 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले लगातार होने लगे और आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाना शुरू किया था, तो तनाव को देखते हुए जम्मू कश्मीर में भी आर्म्स फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया गया था। कपूर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस व इसके नेता ये स्पष्ट करें कि इस मुद्दे को लेकर उनका क्या दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के चलते हिमाचल प्रदेश ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो आतंकवाद के इस काल में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि हर सप्ताह व महीने प्रदेश के किसी न किसी हिस्से में एक हिमाचल वीर सैनिक का शव जरूर पहुंचता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सैनिकों, पूर्व सैनिकों व पैरामिलिट्री में कार्यरत सैनिकों और उनके परिवारों को इस बात के जानने का पूरा हक है कि सैनिकों के प्रति कांग्रेस का क्या दृष्टिकोण है। किशन कपूर ने कहा कि क्या कांग्रेस अलगाववादी नेताओं का समर्थन करती है।